ही कुछ ना कुछ मांगता है भगवान से। ऊंच बुद्धि वाला क्या मांगेगा, क्या मांगूं कुछ उत्तर नहीं। गुरु नानक साहब बोलता है कि क्या मांगूं भगवान, कोई भी चीज स्थिर नहीं है, आने और जाने वाली चीज को मांगता है ऐसा बेवकूफ। अभी तक इतना सुन के भी कुछ ना कुछ तो मांगता है। अभी भी 10 लाख तुमको मिलेगा तो खुशी होगी या नहीं, या 10 लाख जाएगा तो दुख होगा या नहीं। चमतो भाव में कहा है तुम, नुकसान और नफे में एक कहा है। नुकसान होता है तुमको गुस्सा आता है, नफा होता है तुमको खुशी होती है। किसी भी सिद्धि में कामयाबी मिलती है, कोई दुनिया के कर्म में तुमको मजा आता है, खुशी होती है। तो ज्ञानी खुशी और दुख से ऊपर है। टके पैसे वाला फल वो नहीं चाहता है, उसको तो बड़ा फल चाहिए। कोटी हड़ा दस बुज को हला दस, कहीं कोटी खड़ी ना तो कौन वठन दो बुज को खड़ी चो समझा। सब कुछ मेरा समझो, एक पैसा भी अपना नहीं समझे। जो भी तुम्हारा है वो मेरा है, अभी मेरी मर्जी के साथ एक पैसा भी दान नहीं करना। अभी राजा जनक ने दान किया तो उधर यष्टावकर ने उसको 3 लपड़ लगाई, तन मन धन। तन से वो जाने लगा राजा ही में, मन से संकल्प विकल्प किया तो गुरु ने बोला मन ही मेरा है तो तुमने ख्याल क्यों किया। जब सब कुछ मैं तुम्हारा बोझा उठाता हूँ तो तुम ख्याल क्यों करता है अपने लिए, तुम्हारे मन में संकल्प विकल्प क्यों उठा, ख्याल क्यों उठा। जब सब कुछ मेरा है तो तुम ख्याल क्यों करता है। अभी ये समझो बिल्डिंग है, मैं तुमको समझो बेचता हूँ, अभी तुम्हारा है ना, अभी मैं ख्याल करूंगा ये पोची लगेगी, इधर ये हुआ है, ये इधर ये हुआ है, नहीं अभी तुमको चिंता करने की है। ऐसी तरह से तन मन धन गुरु का हो गया, भगवान का हो गया, जाके वो चिंता करे, हम क्यों करें। धन भी उसी का है सारा, तुम एक पैसा भी गुरु के छुट्टी के सिवा नहीं दे सकते। हम तो ऐसा बांधेला है, हम कुछ भी खर्चा करता है गुरु को बताता है, जो भी लेन देन होती है गुरु को सब पता है हमारा, क्योंकि है ही सब उसका, उसको ही पता है। तुमने तो उनको बताया कहा है कि तुमको कितना लाख है, कितना करोड़ है, कितना दुकान है, कितना क्या है, किसने बताया, लिस्ट लिखा है। दादाजी ने पहले इनको विलायत में लिखा था, तुम सारी लिस्ट बताओ तुमको कितना पैसा है, ये सब हमारा है, हमारे दुकान का सब हाल अहवाल मेरे को दियो। इसने सब हाल अहवाल दिया और लिखा, मैं सगे बाप को भी देने वाला नहीं था हाल अहवाल, लेकिन तुम गुरु है तुमको सब बताते। कितना साफ होने का है, एक ख्याल भी गुरु के सह हमारा उज्जा नहीं होवे, छिपा हुआ नहीं होवे, तभी तुम सच्चाई में रहेगा हमेशा, पाप कर्म तुम्हारे से नहीं होएगा। और छिपा हुआ कर्म करेगा तो इधर याद आएगा, गुरु को बता के सब करेगा तो याद नहीं आएगा। जैसे गुरु के आज्ञा से ये लड़ाई करता है तो इसके लिए पाप पुण्य नहीं है, अर्जुन के लिए। अगर अपनी इच्छा से वो लड़ाई करता था तो पाप पुण्य है। अपना सारा ही मन गुरु को दे के, अपना संसार भ्रम गुरु से सारा निकाला है, अपने अंदर से जो भी मन में ख्याल आया, अभी गुरु जैसा बोलता है तैसा ये करेगा। ठीक है, लड़ाई करो तो करो, सबको मारो तो मारो, अभी तुमको कोई बोले गुरु तो अभी बंदूक उठा के बाप दादे को मामे को गुरु को गुस्साई को मार के आओ, तुम मारेगा, तुम नहीं मारेगा, तुम ऐसा कैसा होगा, मैं मर्यादा में हूँ, मैं पट धर्म करूंगा, वो पूजने है, वो बड़ा है, मैं उसको पांव पड़ूंगा। इधर फर्ज धर्म ड्यूटी हमको सिखाने आएगा। और जब अर्जुन को बोलता है तुम सबको मारो, इसका मतलब समझा भाई, तुम इसको नहीं मारेगा तो ये तुमको मारेगा, तुम उसको मन से नहीं निकालेगा, मोह नहीं निकालेगा तो वो तुमको मोह में मार के जाएगा। मारना मना भुलाना भाई, वो मेरा नहीं है, मैं किसका नहीं हूँ, बस यही है। मरे पड़े मतलब क्या है, कैसे मरे पड़े है, जो जन्म है वो अवश्य मरेगा, कहीं पर सब मरने वाला है, इसके लिए तुम ममता में या कोष में। ये भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य का शरीर जो है वो मायामय है, माया है ये, बाकी पूज्य बूजे नहीं है, ये सब माया है, सब माया। सीता से पूछा तुम कौन है, बोला मैं भगवान हूँ। रामचंद्र उसके नजदीक बैठा था, वशिष्ठ बैठा था, विश्वामित्र बैठे थे, सब लोग बैठे थे। सीता को बोला तुम कौन है, कौन से निश्चय में रहती है, बोला मैं ब्रह्म हूँ और ये सब माया है, ऐसा करके दे अपना शरीर, रामचंद्र का शरीर, उसका शरीर, सबका शरीर जो है माया में है, शरीर सहित अपने शरीर से सब माया है और मैं ब्रह्म हूँ। किसी पूछा ब्रह्म में चतुरता है,
कि तुम कर्म करते हुए तो भी पाप पुण्य नहीं लगता है, कितना योग है, कितनी रमस है, कितनी होशियारी है कि तुम कर्म करो भी तो भी तुमको पाप पुण्य नहीं लगे। ये समता भाव में जो रहता है उसको पाप और पुण्य नहीं लगता है। पाप और पुण्य उसको लगता है जो बोलता है मैंने किया और मेरे को कुछ चाहिए, ये हुआ पाप। मैं हूँ और मैंने किया, पहले बोलता मैं हूँ शरीर, पीछे बोलता मैंने किया, तो जरूर शुभ भी किया अशुभ भी किया, तो पाप भी किया पुण्य भी किया, तो तुमको दूसरे जन्म में उसका स्वर्ग मिलेगा नरक भी मिलेगा। लेकिन जो करता ही नहीं है, जो जाने मैं कुछ करता तब लग गर्भ जून में फिरता, जब वही जाने मुझते कुछ होए तब वैसे कहो सुख ना ही कोई। जो समझता है मैं कुछ करता हूँ उसको गर्भ जून में आना जाना पड़ेगा और पाप पुण्य का हिसाब दूसरे जन्म में देना पड़ेगा। जो करता ही नहीं है, जो समत्व भाव में रहता है, जो निष्काम है, वो पाप कैसे करेगा, पुण्य कैसे करेगा, पाप कैसे करेगा। निष्कामी के लिए कोई कर्म ही नहीं है खाते उसके, नहीं पाप कर्म खाते है नहीं पुण्य कर्म खाते है। तुम अपने से पूछना, तुम्हारे अंदर ऐसा आता है कि मैंने इतना इतना पाप किया है और इतना इतना पुण्य किया है। तुम आंख बंद करके एक दिन बैठो, कोई भी कर्म तुमको याद आता है अंदर में कि मैंने सारी उम्र में इतना पाप किया है इतना पुण्य किया है, या भूल गए। अच्छा पाप ही पाप किया, ये नरक। हाँ तो नरक में जाएगा, क्यों नरक में जाना है। तो गीता का अध्याय ये क्या है, समत्व भाव वाला इसी जन्म में पाप और पुण्य से ऊपर उठता है। अभी तुम समता भाव में रहो, आत्मा में रहो, तो आत्मा ने कोई पाप नहीं किया। नींद में सुपने में तुमने पाप किया होगा, पुण्य भी किया होगा सुपने में। जब तुम जागता है आत्मा में तो तुम्हारा सपना खत्म हो गया। रात का सपना तुम जब भी जीव भाव में है तो अभी तक भी सपने में, अभी तक भी तुम्हारा कर्म बनता है पाप चाहे पुण्य। तुम बोलता है मेरे को पाप याद है, ऐसे ये झूठ है, तुम्हारे अंदर पुण्य भी याद है। कोई नहीं ऐसा दुनिया में है जिसको पाप याद है, ये झूठ बोलते हैं तुम। ये हिपोक्रेट्स है जो अंदर एक है और बाहर भी है। कभी भी आधी रात को भी तुमको याद आएगा मैंने इसको दिया, मैंने इससे लिया, मैं इसको मदद करता हूँ, मैंने अच्छा कर्म किया है, मैंने ऐसा किया है। दूसरा भी आके तुमको बोलेगा तुमने बहुत सारी उम्र सत्य कर्म किया है, तुम चाहे बोलो बाहर से नहीं नहीं मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। इधर वाला नहीं मानेगा, जब तक तुम जीव भाव में है कुछ भी नहीं भुला सकेगा, पांच रुपया नहीं भुला सकेगा, मेरे को खातरी है, सच है। क्योंकि तुम जीव है, पाप याद है तो पुण्य भी याद है। ऐसा कोई नहीं दुनिया में है जिसको पुण्य या पाप खाली याद आवे। कभी कभी पुण्य भी याद आएगा, कभी कभी पाप भी याद आएगा। ध्यान में बैठेगा तो 15 साल पहले किसको 5 रुपया दिया होगा वो भी याद आ जाएगा। तुम कोई बड़ा आदमी नहीं है, बहुत पौत्र आदमी नहीं है जो तुमको पुण्य नहीं याद आएगा। जरूर कर्ता भाव में तुम है, पुण्य और पाप जरूर याद आएगा। अभी तुम पुण्य और पाप से ऊपर उठो, क्यों याद आता है कि मैं पापी हूँ मैं पुण्य हूँ। पापी और पुण्य कौन है, ये मन है, ये तुम्हारा मन है पापी मन है पुण्य। जब मन तुमने दे दिया भगवान को, अभी कौन पापी है कौन पुण्य है। समझ में आई बात, जब मन तुमने पापी मन तुमने गुरु को दे दिया, मन बेचा है सतगुरु के पास, सचमुच तुमने जो पाप किया भी है तो लिख के आना हमारे पास। अगर याद है तो मैंने कौन सा पाप किया है तो हमारे पास लिस्ट लिख के आओ, धर्म राजा हूं मैं, तुम्हारा पाप और पुण्य का चिट्ठा इधर फाड़ दूंगा तुम्हारे सामने। अगर सचमुच तुम सच्चा आदमी है और सच पाप याद आता है पुण्य याद नहीं आता है, तो पाप की लिस्ट लेके आओ हमारे पास, जो जो पाप किया सारी लाइफ में हमको दियो चिट्ठा। धर्म राजा के पास जो जाएगा मरने के बाद, इसी से अच्छा है कि अभी अभी धर्म राजा के पास आया है, इधर ही पाप पुण्य का चिट्ठा हमारे से फाड़ दियो, फड़वा दियो अपना, नहीं तो तुम ठग गए। अगर पाप याद आता है तो हमको दियो पाप, हार और फूल और पैसा और पंजर अपने पास रखो, लेकिन पाप की लिस्ट मेरे को दियो। तो बोलता है समत्व भाव वाला इसी जन्म में पाप और पुण्य से ऊपर उठ जाता है। क्योंकि गुरु को हम पाप पुण्य देके अपना मन देके विकारी मन देके और स्वच्छ और पौत्र हो जाते हैं और अपने को आत्मा जानते हैं, तो आत्मा ने कभी भी पाप और पुण्य नहीं किया। हीरा जो नाक में पड़ाया जाए 50 साल पहले का, मटी भी पड़ी होगी कुछ भी पड़ा होगा, लेकिन एक सेकंड एक पाई भी उसकी कम नहीं होगी मूल्य। ऐसी तरह से तुम्हारा आत्मा रूपी हीरा
चाहे शरीर गंध में आया भी है, चाहे भी मन भी है विकारी, तन भी विकारी है, ऐसे में भी आत्मा इतना स्वच्छ पवित्र है। लेकिन जैसे आकाश न्यारा है तैसे तुम्हारी आत्मा न्यारी है। तू आत्मा है तो तुम पवित्र है, निर्विकारी है, शुद्ध है, ब्रह्म है, सब कुछ तू है। लेकिन तुम शरीर में आएगा तो जरूर पापी पुण्य है। हम भी अभी शरीर में आएगा तो हमको भी पाप पुण्य अगले जन्म का याद आ जाएगा। लेकिन हम शरीर में आए क्यों? शरीर से फाड़कती करो, शरीर से भाईवारी कट करो। भाईवारी ने पाप किया तो मैंने नहीं किया? जिस दिन तुमने भाईवारी कट कर दिया, अभी भाईवार को नफा नुकसान पाप पुण्य सब उसको लगेगा, तुमको लगेगा। तो अभी से तुम शरीर से जुदाई करो, मन से जुदाई करो। तू शरीर नहीं है, मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, चित्त नहीं है, अहंकार नहीं है, तू आत्मा है। आत्मा को कौन सा पाप और पुण्य लगेगा? यही है तुम्हारा वेद शास्त्र, तुम्हारा पाप का चिट्ठा नहीं फाड़ेगा। लेकिन गुरु पाप का चिट्ठा फाड़ सकता है। गुरु हमारा वकील है। जैसे वकील जाके लड़ाई करता है ना कोर्ट में और हमको छुड़ा के आता है, हम घर ही बैठा है, ऐसी तरह से गुरु हमारा वकील है होशियार, जो भगवान से भी जाके पहुंचेगा तो नहीं ये मेरा असील है, मैं इसके साइड में लड़ूंगा। तो गुरु जाके भगवान से लड़ाई करके भी हमारा पाप पन छुड़ा के आएगा, हमको छुड़ा देगा। ऐसे वकील को हम जब भी पूरा केस देगा, अगर हम थोड़ा सा देगा थोड़ा नहीं देगा छिपा के रखेगा तो वकील नहीं लड़ाई करेगा। जो भी तुमने पाप पुण्य किया पहले वकील को दियो तो वकील तुमको छुड़ाएगा। ये भी अर्जुन जब भी कृष्ण को अपना पाप पुण्य संकल्प विकल्प सब बताता है, तभी भगवान ने बोला तो इसी जन्म में समता भाव वाला पाप पुण्य से ऊपर उठ जाता है। नहीं तुम पापी बनेगा नहीं पुण्य, आत्मा में नहीं पाप है नहीं पुण्य, समता में रहो। हाँ, जो भी दुनिया के भोग पदार्थ माया की बातें जो भी सुनी है, चाहे किसी भी बात का, चाहे आत्मा के सिवाय जो कुछ सुना है पहले, उसी से बिगाड़ा गया। सुने हुए और सुनने योग्य, अभी सुनने योग्य आत्मा के सिवाय कुछ नहीं बचेगा। सुनने योग्य कुछ रहेगा ही नहीं, माना दुनिया का जो भी भोग पदार्थ, कुछ भी स्वर्ग का सुख या कुछ भी जो भी दुनिया में है वो तुम अभी सुनेगा ही नहीं। बात सुनने योग्य कुछ रहेगा ही नहीं आत्मा के साथ, आत्मा ही बस सुनेगा। क्योंकि पहले जब तुम मोह में था, शरीर के मोह में था, तो तुमको इच्छा थी, तो तुम सुख को चाहता था, तभी स्वर्ग की इच्छा थी, भोग की इच्छा थी, तो तुम इसके लिए वो बातें सुनता था। चाहे शास्त्र वेद भी जो तुमने पहले सुना है वो भी भुलाना पड़ेगा, और सुनने योग अब कुछ नहीं रहेगा। बाकी शास्त्र वेद कोई नहीं बचेगा जो तुम पढ़ो और लिखो और सुनो। जब मोह की दलदल से ऊपर उठ गया शरीर का मोह, शरीर का मोह जब तुम्हारा छूट गया, देह ध्यास छूट गया, तुम आत्मा में रहा, अभी आत्मा कार क्या पढ़ेगा, क्या लिखेगा, क्या सुनेगा, क्या उसको सुनना है? एक आत्मा को सुनने के बाद कुछ सुनने के योग्य नहीं रहेगा। तुम शास्त्र उठाएगा भी ना, बोलेगा क्या पढ़ूं? हमारे भी ऐसी हालत हो गई, पहले जब हम जिज्ञासु थे तो हमको कभी कभी योग व शास्त्र या अष्टावकर गीता अच्छी लगती थी। जब हमको आत्मा का निश्चय हो गया तभी हम जो भी पढ़े बोला ये तो पढ़ा ही पढ़ा, ये तो लिखा ही पढ़ा, ये तो गुरु ने बता दिया, अभी कौन सी नई बात है। अभी कौन सी भी बात तुम लेके आओ, कौन सा भी शास्त्र लेके आओ, तो आत्म तत्व का ही विचार होगा ना, जास्ती में जास्ती दूसरा क्या होगा। वेद प्राण सिमरत सिद्ध अखड़, कीने राम नाम एक अखड़, एक ही अखड़ वेद प्राण को वेद प्राण सिद्ध करता है। तो राम नाम क्या है? नाम माना निराकार, नाम माना आत्मा, आत्मा को ही सिद्ध करता है। और जिसने गुरु के मुख से आत्मा का निश्चय कर दिया उसको सुनने हुए और सुनने योग्य कुछ नहीं रहे, चाहे दुनिया की बात, चाहे दुनिया के सुख, चाहे वेद शास्त्र भी, कुछ भी सुना हुआ, चाहे सुनने योग्य कुछ रहेगा भी, एक ही आत्मा को जानने का बस। इस श्लोक में निर्वेदम दादाजी के पास, दादाजी से बोला मैं तुम्हारे से शास्त्रार्थ करूंगा, मैं सब वेद पढ़ाऊ, मैं तुम्हारे से भाई संवाद करूंगा, वैसम वैसी करूंगा। दादा ने बोला पीछे करना, पहले खाली ये बताओ तुमको शांति है? जो जितना भी वेद पढ़ा है उसी से शांति है? बोला अभी तो दूसरा पढ़ने का है। ऐसा भी पूछा दादा ने, तुमको और इच्छा है पढ़ने की? बोला अभी तो बहुत शास्त्र है दुनिया में, अभी तो बहुत पढ़ने की इच्छा है, ये जन्म तो क्या 10 जन्म और भी पढ़ेंगे, ये मेरे को बिल्कुल वासना है, ऐसा बोला दादा उसको। दादाजी ने बोला अगर तुमको वासना है तो तुम ब्रह्म तो नहीं, आत्मा तो नहीं है, तुम शांत भी नहीं है। तो जो शांति नहीं है, जो तुमने वेद पढ़ा तो
तुम्हारे वेदों ने तुमको शांति नहीं दिया तो हमारे से बहस क्या करेगा तुम? तुम तो बेवकूफ है बड़ा। अगर तुमने वेद पढ़ा है, विकार छोड़ा है, मैं तुम्हारे स्त्री के पास चलूंगा, दादाजी ने बोला, तुम्हारे स्त्री और बेटे से चल के पूछूंगा, इसको काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, पहले तो तुम घर वाले को इधर लेके आओ या मेरे को घर में लेके चलो, पीछे मैं तुम्हारे से बात करूंगा, तो तुम कितना सुधरा हुआ आदमी है जो मैं तुमको इधर बैठा हूं अपने सामने। तुम जो बोलता मैं वेद पढ़ के आया हूँ, दादाजी तुम तो वेद नहीं पढ़ा है और मेरे को सवाल का जवाब। दादा ने बोला मैंने वेद नहीं पढ़ा लेकिन शांति है और सुनने योग कुछ बचा ही नहीं है, और तुमने सब कुछ पढ़ा लेकिन शांति नहीं है, इसके लिए तुम मेरे सामने बैठने के लायक नहीं है, अभी जाओ नीचे, ऐसा बोल दिया। तो जब घर गया तो अपने औरत को जाके बोला, तो ये जो तुम्हारे पास आएगा दादाजी, तुम मेरी सत्यानाश नहीं करना, तुम मेरी बात नहीं बताना, तुम बात बताएगा तो मेरे को तो शर्म आएगा, दादाजी के सामने कैसे बैठेगा, क्योंकि मेरे को तो सब विकार है और तुम्हारे से ही पता चलेगा। दादाजी ने पहले बोला CID पुलिस तुम्हारी स्त्री और बच्चा तुम्हारे सामने आए, मैं उसी से पहले इंक्वायरी करूंगा कि तुमने वेद पढ़ा, तुम शांति में है। तो उधर हाथ जोड़ के पांव पड़ा दादाजी को, भाई बस तुमने जीता मैंने हारा, क्योंकि मेरे को शांति भी नहीं है, विकार भी नहीं करे, और तुमको अगर शांति है और कभी वासना ही नहीं है कुछ पढ़ने की, लिखने की, सुनने की, तो बस तुम पास है, तुम ही बड़ा बड़ ब्रह्मकार वृत्ति वाला है, ब्रह्मनिष्ठ है। दादा ऐसा ऐसा बैसम बैसी करने वाले को जवाब देता, भाई तुमको शांति नहीं है तो बाकी आया क्यों है मेरे सामने, पहले वेद सब तुम मानो कि मेरे को वेदों से शांति नहीं मिली है, तो तुम जो जानकारी लेके आए अपनी, पहले तो स्लेट साफ करके आओ, जो भी जाना है उसको इधर बुलाना पड़ेगा, एक ही आत्मा ही जानने योग्य है बस, तभी बोलता है मत मतांतर सिद्धांतों से मुंजी हुई तेरी बुद्धि उलझन में आ गई है, वो कभी भी स्तर नहीं, जब तक स्तर आत्मा में नहीं होगी तब तक समता भाव को प्राप्त नहीं होगी। तुमने समझा सभी ने अभी, इसी का अर्थ परमात्मा को पाने की भी इच्छा नहीं होगी, स्तर प्रज्ञा का लक्षण वो है, स्तर प्रज्ञा समझो, जो स्तर प्रज्ञा है उसको कौन सी इच्छा होगी कि मैं वेद पढ़ू, शास्त्र पढ़ू, परमात्मा को पाऊं, स्तर प्रज्ञा ऐसा बोलेगा नहीं, वो स्तर प्रज्ञा नहीं हुआ ना, वो जिज्ञासु हुआ, आत्मा से आत्मा में संतुष्ट, ये है स्तर प्रज्ञा का लक्षण, ब्रह्म ज्ञानी का लक्षण बताया है कि सर्व कामनाओं का त्याग और आत्मा से ही आत्मा में तृप्त रहेगा, अपने आत्मा में जो तृप्त है वो है ब्रह्म ज्ञानी स्तर प्रज्ञा, उसको कोई इच्छा नहीं रहेगी मैं ज्ञान को प्राप्त करूं, प्राप्त तो जिज्ञासु बोलता है, ये ब्रह्म ज्ञानी बोलेगा मैं प्राप्त करूं, कोई अप्राप्त चीज है क्या जिसको प्राप्त करेगा, उसको अप्राप्ति की प्राप्ति की भी प्राप्ति हो गई, जो पहले ही प्राप्त था आत्मा तो उसको प्राप्ति मिल गई ना उसकी, तो खुशी भी नहीं है दुख भी नहीं है। एक दिन एक जिज्ञासु ने एक गुरु से पूछा, भाई हमको खाली थोड़ा धन मिलता है दुनिया का तो भी हमको खुशी होती है, तो तुमको जो इतना धन मिला है ज्ञान का धन, तो ज्ञानी को खुशी कैसे नहीं होगी, ज्ञान की खुशी कैसे नहीं होगी। तो गुरु ने उधर एक दृष्टांत दिया, बोला एक आदमी गया जंगल में पगड़ी पहन के, लेकिन शराब बहुत पिया था, अचानक वो पगड़ी जो है वो गिर गई, जब गिर गई तो उसने जो शराब पिया था उसको पता ही नहीं चला कि ये मेरी पगड़ी गिरी है, तो उसने समझा ये दूसरे की पगड़ी मेरे को मिली है, सो रास्ते से लेके आया, बहुत खुश बहुत खुश, मेरे को आज एक बहुत अच्छी पगड़ी मिली है। गया घर में तो उसकी औरत ने बच्चे ने बोला बाबा तुमने पगड़ी क्यों उतारी है अपनी, बोला नहीं ये पगड़ी मिली है पहले, ये तो देखो रास्ते से मिली है, बहुत खुशी हुई है, देखो कितनी अच्छी पगड़ी है, बोला ये तुम्हारी है भाई तुम्हारी है, तुम्हारे मत्थे पर हाथ तो रखो, और जब इधर हाथ रखा तो खुशी सारी चली गई उसकी, भाई उसने समझा मेरी पगड़ी मेरे को वापस मिली है तो खुशी कहा की। ऐसी तरह से ब्रह्म ज्ञानी को खुशी और दुख नहीं है, क्यों, क्योंकि उसको अपनी आत्मा मिल गई है, कोई दूसरे की आत्मा मिली है क्या, गुरु ने अपनी आत्मा निकाल के मेरे को दिया क्या जो मैं खुशी करूं, दूसरे से कुछ मिलता है तो खुशी होती है, जब मेरी आत्मा ही मेरे को दिया वापस, मेरी लुकड़ी इधर चली गई थी खाली इधर किया तो मेरी लुकड़ी मेरे को वापस मिली, कोई दूसरे से मिली क्या, गुरु ने मेरे को लुकड़ी दिया क्या अपनी हीरे की, मेरी हीरे की लुकड़ी उधर चली गई पीछे, खाली उसने इशारा किया गुरु ने, उसका थैंक्स है इशारे का, बाकी मेरी चीज मेरे को मिल गई तो खुशी का है की। बोलता है ब्रह्म आदि जिस पद के लिए करते सदाई चाहना,
इंद्र आदि जिस पद के लिए करते सदाई चाहना, ऐसी खुशी पाके भी योगी जो है जो निर्वासना बन गया आत्म पद पाए के भी। और अष्टावक्र गीता में तो ज्ञानी को इतना आनंद मिल गया है जिसके लिए इंद्र आदि सुख के लिए चाहना करता है आत्म सुख के लिए, तो ज्ञानी उसको पाके खुश नहीं होता। अष्टावक्र गीता में लिखा ऐसी आत्मा को पाके भी खुश नहीं होता है, खुशी और दुख तो उसके लिए है ही नहीं। बिल्कुल जैसे भाई अच्छी तरह से समझ थोड़ी देता है मेरे को अज्ञान है, अज्ञानी जो रहता है नेचुरल रहता है ना अज्ञान में, ऐसे ज्ञानी भी नेचुरल ज्ञान में रहता है, उसको ये खुशी नहीं है मेरे को ज्ञान आ गया है, मैं ज्ञानी हूँ ये अज्ञानी है तो खुशी है, जब मैं ही तो हूँ तो खुशी कहेगी दुख कहेगा। ऐसे सागर में भरती होती दिखाई देती है, सागर हमेशा टूटता है गंभीर है, कोई नहीं भरती है जैसे अज्ञान। मैं तो पहले ही ज्ञान स्वरूप था, गुरु ने आके खाली निश्चय कराया कि तुम ज्ञान स्वरूप है, बस भूल गया था, बस भूल बताया, तो हमको तो खुशी भी नहीं है, मैं तो हंसता भी नहीं हूँ नाचता भी नहीं हूँ, तुम तो बहुत भाग्यवान है, तुम तो खुश भी करता है नाचता भी है गाता भी है। हम जो बोलते थे गुरु तुम मिल गया मेरे को बहुत नाचते थे, तो वो तो गुरु जो तो गुरु तो शांत था, हमको खुशी थी ना भाई गुरु मिला है, गुरु तो अपने में ही मस्त है ना भगवान, वो कौन सी खुशी करे। ज्ञानी जो है उसको ऐसा लेके अपनी आत्मा में रखता है अंतर्मुख, एक है बाहर मुख वृत्ति, तुम्हारी इंद्रियां बाहर जाती है। एक लड़का एक लड़की को देखने के लिए पूना से कल्याण में आता है रोज, उसकी आंख आंख की इंद्री बाहर जाती है, बाहर कुछ सुंदरता देखा, भाई तुम पूना से उधर क्यों जाता है, बोलता मैं उसको देखने जाता हूँ, देखने से क्या मिला भाई मेरे को तिरुपति आती है, फिर दूसरे दिन जाता है, फिर तीसरे दिन जाता है, तो इंद्रियां जब भी अपने विषय में जाती है तो तिरुपति भी नहीं आती है, थोड़े टाइम के लिए एक दो सेकंड के लिए स्थिरता आती है, वो भी आत्मा का ही परछाई आत्मा का ही आनंद है, जो भी विषयों का सुख है वो आत्मा का ही आनंद है, लेकिन दो मिनट के लिए, एक सैंपल है, जो बेवकूफ सैंपल को लेके बैठ जाता है तो ताके वो कैसे लेगा, तो ताके से जितना मजा आएगा उतना सैंपल से आएगा, सैंपल से तुम क्या कर सकेगा, तो ये जो भी विषय विकार में